सभी को नमस्कार। आज सॉल्यूशन पार्ट एट में जब अपन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, उसमें तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या क्रायोस्कोपी, जिसे हिंदी में हिमांक में अवनमन या हिमांक मिति कहते हैं, उसे डिटेल में पढ़ेंगे, इसे समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन देखें कि हिमांक बिंदु होता क्या है। हिमांक बिंदु, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जैसे कोई पदार्थ है, उसकी दो प्रावस्थाएं सॉलिड और लिक्विड किसी निश्चित दाब पर, जिस तापमान पर एक दूसरे के साथ साम्य में रहती हैं, वह तापमान ठोस के लिए गलनांक बिंदु और द्रव के लिए हिमांक बिंदु कहलाता है। फिर देखिएगा, किसी निश्चित दाब पर वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ की ठोस और द्रव प्रावस्थाएं एक दूसरे के साथ साम्य में रहती हैं, उस तापमान को ठोस का गलनांक बिंदु और द्रव का हिमांक बिंदु कहते हैं। दूसरे तरीके से इसको बता सकते हैं कि किसी निश्चित दाब पर वह तापमान जिस पर किसी पदार्थ की ठोस प्रावस्था और उसकी द्रव प्रावस्था के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं, उस तापमान को द्रव का हिमांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके, हिमांक बिंदु क्या चीज है। अब देखिए, अपन पढ़ते हैं हिमांक बिंदु में अवनमन कैसे होता है। इसको एक आरेख की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक आरेख बना रहा हूं यहां पे। इधर है वाष्प दाब और इस अक्ष पर है तापमान। ये एक आरेख प्राप्त होता है विलायक के लिए, ठोस विलायक। यह आरेख किसका है? ठोस विलायक, ठोस विलायक। आरेख में हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ाने से इसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कोई बिंदु ये है, बिंदु ए, ये मैंने बिंदु लगाया है। इस बिंदु ए पर विलायक द्रव प्रावस्था में है और इस विलायक का तापमान जब कम करेंगे तो इसके वाष्प दाब में कमी होती चली जाती है। तो देखिए, इसको मैं कम कर रहा हूं तापमान को, तो इसके वाष्प दाब में कमी होती चली जाती है और यहां पर ये आके इस बिंदु पर आकर इस द्रव विलायक का वाष्प दाब ठोस विलायक के समान हो जाता है। जब इस बिंदु पर देखिए, ये वाष्प दाब बराबर हो गए दोनों के, तो इस बिंदु का जो तापमान होगा वह तापमान इस विलायक के लिए हिमांक बिंदु हो जाता है। तो ये विलायक के लिए है द्रव विलायक का आरेख, अब वापिस बिंदु ए की स्थिति में इस विलायक में अगर कुछ मात्रा में अवाष्पशील विलेय मिला दें तो उतने ही तापमान पर इसका वाष्प दाब कम हो जाता है और बिंदु बी प्राप्त, बी तो इधर लिख दिया, बिंदु सी प्राप्त हो जाता है। बिंदु सी किसके लिए है? विलयन के लिए है। अब इस विलयन के तापमान में कमी करते हैं तो इसके वाष्प दाब में भी कमी आती है और यहां पर बिंदु डी पर इसका वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के समान हो जाता है। देखिए, यहां पे ठोस का द्रव का वाष्प दाब समान हो गया ना, तो
इस बिंदु का जो तापमान है वो इस विलयन का हिमांक बिंदु हो जाता है। तो ये जो आरेख है, ये आरेख है विलयन एक, जिसमें अपन ने कुछ मात्रा में अवाष्पशील विलय मिला दिया है। अब वापिस देखिए बिंदु सी की कंडीशन में, अगर इस विलयन फर्स्ट में कुछ मात्रा में और अवाष्पशील विलय मिला दें तो बिंदु ई प्राप्त हो जाता है। तापमान उतना ही है लेकिन अवाष्पशील विलय मिला देने से इसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। अब जब इसका तापमान कम करेंगे तो वाष्प दाब घटेगा। और देखिए यहां पर इस बिंदु पर आकर, इस बिंदु को मैं लिख दूं एफ, इस बिंदु पर आकर इस विलयन का वाष्प दाब इस ठोस वाले आरेख के वाष्प दाब के समान हो जाता है। यह है वाष्प दाब। और इस बिंदु से संबंधित जो तापमान होगा वो विलयन दो का हिमांक बिंदु हो जाता है। ठीक है, देखो क्या दिख रहा है आपको। बिंदु ए पर शुद्ध द्रव विलायक था, बिंदु सी पर विलयन फर्स्ट है, बिंदु ई पर विलयन सेकंड है, विलयन सेकंड। विलयन टू की सांद्रता विलयन वन से ज्यादा है, क्योंकि विलयन टू में विलय ज्यादा मिलाया हुआ है आपने। जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ाते जा रहे हैं तो उतने ही तापमान पर, इन ए सी और ई तीनों बिंदुओं के तापमान समान है, उतने ही तापमान पर वाष्प दाब का मान कम होता जा रहा है। देखो इसका वाष्प दाब इतना था ए बिंदु का, सी का और कम हो गया, ई का और कम हो गया, वाष्प दाब में कमी आ गई। और जब इसको ठंडा करेंगे तो इनके वाष्प दाब का मान जिस बिंदु पर ठोस के वाष्प दाब के समान हो जाता है वो इनके हिमांक बिंदु है। TF है वो शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, TF1 विलयन 1 का हिमांक बिंदु, TF2 विलयन 2 का हिमांक बिंदु। आगे से देखिए जैसे जैसे विलयन की सांद्रता बढ़ती जा रही है वाष्प दाब में कमी आती जा रही है और हिमांक भी कम होता चला जा रहा है। यहां TF और TF1 में जो अंतर है वो विलयन 1 का हिमांक में अवलंबन है। डेल टी एफ वन है। यहां TF और TF2 में जो अंतर है या TF1 और TF2 में जो अंतर है वो भी हिमांक में अवनमन है। ये हिमांक में अवनमन TF2। तो जैसे वाष्प दाब में अवनमन होगा वैसे वैसे हिमांक में अवनमन होता चला जाता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हिमांक में अवनमन समानुपाती वाष्प दाब में अवनमन। जितना ज्यादा अवाष्पशील विलय मिलाते जाएंगे हिमांक में उतना ज्यादा अवनमन होता चला जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और यह समीकरण संख्या एक। अब राउल्ट के नियमानुसार अपन ने वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पढ़ा, उसका जो समीकरण है वो देखिए डेल पी अपॉन पी ए नॉट बराबर एक्स टू। ये वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो विलय के मोल भिन्न के बराबर होता है। और यहां से मैं लिख दूं डेल पी बराबर पी ए नॉट एक्स टू या एक्स बी, जो भी लिख सकते लिख ले यहां, क्योंकि अपन ने शुरू में ही देखा था कि विलय को बी के द्वारा इंगित करेंगे। तो डेल पी बराबर पी ए नॉट एक्स बी समीकरण दो। समीकरण दो से डेल पी का मान समीकरण एक में रख दूं तो हो जाता है डेल टी एफ समानुपाती पी ए नॉट एक्स बी। डेल पी का मान रख दिया मैंने और समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं तो डेल टी एफ बराबर के पी ए नॉट एक्स बी प्राप्त हो जाता है। यहां के क्या है, समानुपाती स्थिरांक है। k
के समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, अब देखिए एक्स भी है विलेय का मोल भिन्न, जिसको मैं यूं लिख सकता हूं डेल टी एफ बराबर के पी ए नॉट एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। मोल भिन्न को ऐसे लिख सकते हैं अपन, विलयन की सांद्रताओं में पढ़ चुके हैं कि विलयन किसी भी घटक का मोल भिन्न क्या होता है, उस घटक के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्याओं का योग। अब चूंकि अणु संख्या गुणधर्म के सामान्य मानों की गणना में अपने एक शर्त देखी थी कि विलयन तनु होना चाहिए, तो तनु विलयन के लिए तनु विलयनों के लिए क्या हो जाएगा, विलेय का मान विलायक की तुलना में बहुत कम होगा, मतलब एन बी का मान एन ए की तुलना में बहुत कम होगा, अतः एन ए प्लस एन बी लगभग बराबर एन ए हो जाएगा कि नहीं, ले सकते हैं ऐसा, क्योंकि एन बी का मान एन ए की तुलना में बहुत कम है, तो इस एन ए प्लस एन बी की जगह सिर्फ एन ए लिख सकता हूं, तो डेल टी एफ बराबर के पी ए नॉट एन बी बटा एन ए, यह समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब एन बी है विलेय के मोलों की संख्या और एन ए है विलायक के मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या की गणना कैसे करते हैं, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या उसके दिए गए द्रव्यमान में उसके अणु भार का भाग दे दें तो उसके मोलों की संख्या की गणना हो जाती है। तो देखिए इस समीकरण को मैं यूं भी लिख सकता हूं डेल टी एफ बराबर के पी ए नॉट डब्ल्यू बी बटा एम बी, और डब्ल्यू ए बटा एम ए है वो ऊपर चला जाता है, लिख सकते हैं कि नहीं, तो आपने मोलों की संख्या की जगह द्रव्यमान बटा अनुभार लिख दिया। अब इसमें देखिएगा इस समीकरण के दाहिनी तरफ वाले भाग में ये जो k है समानुपाती स्थिरांक है, पी ए नोट क्या है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और यहां एक राशि और है ऊपर एम ए जो विलायक का अणुभार है, ये तीनों राशियां ही स्थिरांक हैं, तो इन तीनों का गुणनफल भी स्थिरांक राशि होगा, तो के पी ए नॉट एम ए ऊपर ये तीन राशियां ले रहा हूं चार में से, के पी ए नॉट और एम ए तीनों के गुणनफल की जगह मैं लिख देता हूं के डैश डेल टी एफ बराबर के डैश, क्या बच गया ऊपर डब्ल्यू बी, नीचे क्या बच गया एम बी और डब्ल्यू ए, ये मान बच गए। के डैश क्या चीज है, अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक इसको कहते हैं। अब अवनमन स्थिरांक क्या है, कैसे इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए एक कंडीशन लगाते हैं। देखिए अगर डब्ल्यू बी बटा एम बी बराबर एक और डब्ल्यू ए बराबर एक ग्राम, मतलब विलेय के मोलों की संख्या का मान एक है और विलायक का द्रव्यमान कितना है एक ग्राम है, अर्थात एक ग्राम विलायक में एक मोल विलेय मिलाया हुआ है, तो इस अनुपात का मान क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटा एम बी एक है डब्ल्यू ए भी एक है, तो डेल टी एफ क्या हो जाएगा के डैश के बराबर हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहां इस अवनमन स्थिरांक को देखिए कैसे परिभाषित करेंगे कि एक ग्राम विलायक में एक मोल विलेय मिला देने पर हिमांक में अवनमन को ही अवनमन स्थिरांक कहते हैं।
अब देखिए सैद्धांतिक रूप से तो ठीक है, ये गणना हो गई इस तरह से, ये बराबर आ गया, लेकिन प्रायोगिक रूप से ये संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? कि एक ग्राम विलायक में एक मोल विलेय को घोलना संभव नहीं है। इसलिए विलायक का कितना मान लें, 1000 ग्राम ले लेते हैं। तो इस समीकरण में विलेय को तो एक मोल लेंगे, लेकिन विलायक कितना लेंगे, 1000 ग्राम ले लेते हैं। तो समीकरण आ जाएगा डेल पी एफ बराबर के डैश डब्ल्यू बी बटा एम बी को तो एक लिया मैंने, और डब्ल्यू ए क्या है, 1000, तो के डैश बटा 1000। इस के डैश बटा 1000, के डैश तो स्थिरांक है, अवलंबन स्थिरांक, और 1000 एक अंक है, यह भी एक स्थिरांक राशि है, तो इस अनुपात को भी मैं एक नए स्थिरांक के रूप में लिख देता हूं के एफ। तो के डैश बटा 1000 बराबर के एफ, और के डैश बराबर के एफ गुणा 1000। लिख सकते हैं कि नहीं ऐसा? इस के डैश का मान इस समीकरण में रख दें, डेल्टी एफ बराबर के डैश डब्ल्यू बी बटा एम बी गुणा डब्ल्यू ए, इस समीकरण में अगर रख दूं तो डेल पी एफ बराबर क्या जाएगा, के एफ डब्ल्यू बी बटा एम बी डब्ल्यू ए ऊपर गुणा 1000, ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। इस समीकरण में देखिएगा, ये जो इधर ये वाली राशि है, ये वाली देखिए, मैं डॉट 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 बंद कर रहा हूं, इस डॉट 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 के अंदर जो राशि है, इस राशि को क्या कहते हैं? डब्ल्यू बी बटा एम बी क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान जिसको ग्राम में लिया है, गुणा 1000। तो डॉट 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 के अंदर राशि है वो क्या होगी, मोललता। तो इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर जगह कर लेता हूं, अब डेल टी एफ बराबर के एफ गुणा मोललता। तो इसका मतलब हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, मतलब विलय के कणों की संख्या के समानुपाती होता है, अतः यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो समीकरण है, इस समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलेय के लिए अणु भार की गणना कर सकते हैं। अपन ने जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था, तो उस समय अपन ने देखा कि अणुसंख्यक गुणधर्म क्यों पढ़ते हैं, तो उसका जो मुख्य उपयोग है वह है अवाष्पशील विलेय के अणु भार की गणना करना। तो वाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना करना, ये वाला समीकरण काम में लेंगे। इसमें अवाष्पशील विलेय है, उसका अणुभार कहां पे है, ये एम बी, तो एम बी को मैं इधर ले रहा हूं, तो एम बी बराबर के एफ डब्ल्यू बी गुणा 1000, ये तो ऊपर है, और बटा में क्या जाएगा, डेल पी एफ गुणा डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान। इस समीकरण की सहायता से अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। देखिए किसी विलायक के लिए के एफ क्या चीज है, मोलल अवनमन स्थिरांक जो निश्चित होता है, डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान जिसको आप तोल कर काम में लेंगे,
डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का द्रव्यमान, इसे भी आप तोलकर काम में लेंगे। डेल्टी एफ है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन की गणना प्रयोग के द्वारा कर ली जाती है। तो ये जितनी भी राशियां हैं इस राइट साइड में, इनके मान ज्ञात होने पर जो अज्ञात अवर्षीय विलय है उसके अणुभार की गणना कर ली जाती है। तो इस प्रकार से अणुभार की गणना कर लेते हैं। अब इसमें एक चीज और है, मोलर अवनमन स्थिरांक और हिमांक की गुप्त ऊष्मा में संबंध, मतलब के एफ एंड एल एफ में संबंध। के एफ है मोलर अवनमन स्थिरांक और एल एफ है लेटेंट हीट ऑफ फिजिंग, हिमांक की गुप्त ऊष्मा। तो वॉन्टॉफ नामक वैज्ञानिक ने एक संबंध दिया था के एफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। के एफ मोलर अवनमन स्थिरांक, आर है गैस स्थिरांक, टी एफ है विलायक का हिमांक बिंदु और एल एफ है हिमांक की गुप्त ऊष्मा। अब हिमांक की गुप्त ऊष्मा क्या है कि 1 ग्राम द्रव को उसके हिमांक बिंदु पर जब ठोस में परिवर्तित किया जाता है तो निष्कासित होने वाली ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये प्रति ग्राम है, तो एल एफ का मान डेल एच एफ बटा एम के द्वारा लिखा जाता है। डेल एच एफ क्या है, हिमांक के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन, और एम क्या है, मोलर द्रव्यमान, 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान। तो इस डेल एच एफ में 1 मोल पदार्थ का द्रव्यमान अणुभार के बराबर ग्राम में मात्रा का भाग देंगे तो प्रति ग्राम ये मान प्राप्त हो जाता है, और गुप्त ऊष्मा प्रति ग्राम ही होती है। तो इस एल एफ का मान यहां रख दूं, आर टी एफ स्क्वायर 1000, डेल एच एफ और एम कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये है मोलर अवनमन स्थिरांक और गुप्त ऊष्मा, हिमांक की गुप्त ऊष्मा में संबंध। बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है ये, वॉन्टॉफ के द्वारा दिया गया था। अब देखिए जो हिमांक में अवनमन है या हिमांक मिति है उसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में भी करते हैं। जैसे सर्दियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर बर्फ गिरती है और रास्ते जाम हो जाते हैं, तो क्या किया जाता है कि उन रास्तों पर नमक का छिड़काव कर देते हैं, NaCl का, मैग्नीशियम क्लोराइड का नमक का छिड़काव कर दिया जाता है। तो नमक का छिड़काव करने से क्या होगा कि नमक है वो जल के संपर्क में आएगा, तो जल का हिमांक, जो सामान्य शुद्ध जल का हिमांक होता है 0°C, वो हिमांक कम हो जाता है, उस हिमांक में अवनमन हो जाता है नमक के मिलने से, अवाष्पशील विलय के मिलने से, और वो -21°, -31°, -50° तक हो जाता है। तो वो जल आसानी से फिर जमेगा नहीं, तो फिर रास्ते अवरुद्ध नहीं होंगे। और उपयोग देखिए, जैसे गाड़ियों के रेडिएटर में जो कूलेंट है वो जम जाते हैं, जल वगैरह को अपन काम में लेते हैं रेडिएटर में, वो ठंडे स्थानों पे जम जाते हैं, जो है 0°C तापमान आया, जम गया। तो उसको जमने से बचाने के लिए उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसको एंटी फ्रीज के रूप में मिलाया जाता है। इथाइलिन ग्लाइकोल अवाष्पशील विलय हो गया, जो जल के हिमांक को बहुत कम कर देगा, -20, -25° तक कर देगा। तो जल है वो 0° पे नहीं जमेगा, वो अब जाके -25° पे जमेगा, तो इतना तापमान नहीं आ पाता है, तो जल आसानी से नहीं जमेगा, तो गाड़ी आराम से चलेगी। तो इस प्रकार से ये दैनिक जीवन में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये था हिमांक में अवनमन या हिमांक मिति, बहुत ही आसान है, तो आप इसको आराम से पढ़िए और नोट्स बनाइए। तो घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।